गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। नाइन्थ क्लास मैथ्स एक्सरसाइज 2.5। एक्सरसाइज कौन सी है? 2.5। ठीक है, 2.5 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 14। ठीक है, यह विदाउट एक्चुअली कैलकुलेशन द क्यूब फाइंड द वैल्यू ऑफ इज द फॉलोइंग। विदाउट कैलकुलेशन, विदाउट पेन चलाए, विदाउट किसी कैलकुलेशन के आपको इनकी क्यूब निकालनी है। ठीक है, फर्स्ट वाला है माइनस के 12 क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, विदाउट कैलकुलेशन के, विदाउट कैलकुलेशन को क्या करनी है आपको, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, वैल्यू फाइंड करनी है तो आपके पास एक क्यूब का एक फॉर्मूला एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू माइनस 3xyz इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, सॉरी एक्स एक्स वाई है, एक्स वाई में नहीं है, ए बी में नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, जेड स्क्वायर आगे माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, क्या है, एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये फॉर्मूला है आपके पास। ठीक है, ओके, अब देखो इसे जस्ट पिछले वाला क्वेश्चन हमने पढ़ा था 13 वाला, उसमें क्या दे रखा था, ए प्लस सॉरी एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो हो तो क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके बराबर होगा, 3xyz किसके बराबर होगा, 3xyz। ये आपने देखा था, क्यों, क्योंकि x प्लस y प्लस z जीरो है, जीरो से कोई भी डिजिट कितनी भी हाई लेवल की हो, जो भी नंबर है वो जीरो से मल्टीप्लाई होने क्या हो जाएगा, जीरो, और ये माइनस में 3xy है, इधर आएगा इसमें हो जाएगा प्लस में 3xyz। ठीक है, तो क्यूब एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब कब, जब एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो हो तो इनकी वैल्यू कितनी होगी, 3xyz, 3xyz होगी। ठीक है, अब देखते हैं क्या इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई होगा क्या, देखते हैं। देखो एक्स इक्वल टू कितना है, माइनस के 12, वाई इक्वल टू कितना है, 7, जेड इक्वल टू कितना है, 5। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड देखें, एक्स कितना है, माइनस के 12 प्लस 7 प्लस 5, तो माइनस के 12 प्लस के 7 प्लस के 5, 7 और 5 कितना हो गया, प्लस के 12, तो प्लस के 12 माइनस के 12 कितना हो गया, 0, 0 हो गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो गया, तो इसका मीन्स हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू क्या होगा, 3xyz। तो 3xyz, 3xyz में हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं xyz की, तो क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई माइनस के 12 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5, यही होगा 3xyz। ठीक है, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, x की वैल्यू कितनी है, माइनस के 12, y की वैल्यू कितनी है, 7, और z की वैल्यू कितनी है, 5, z की वैल्यू कितनी है, 5।
ठीक है, अब हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 12 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, 36 मल्टीप्लाई 75 से मल्टीप्लाई होगा तो 35, 36 से मल्टीप्लाई 35 कितना होगा, मल्टीप्लाई करके देखो, 36 35 03 18, ठीक है, 1 3 के फिर 6 टाइम, 3 6 18, 1 3 3 9 9 और 1 10 कितना होगा, 0 इसमें होगा माइनस में, ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी -8 12 16, -8 12 16, ये हो गया हमारे आंसर, ठीक है। पहले हम एक्स वाई जेड देखेंगे, इनका प्लस देखेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो -12 + 7 + 5, -12 7 + 5, -12 + 12 कट गए 0। इस कंडीशन में हम क्या देखते हैं कि अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब किसके बराबर होता है, 3xyz इक्वल होता है, ये हमने 13 नंबर क्वेश्चन में देखा था, प्रूव भी किया था, ठीक है। तो अब मैंने इसको रख दिया है कहाँ, 3xy यहाँ, क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, 3xyz, 3xyz में मैंने xyz का मान रख दिया, वैल्यूज रख दी, वैल्यूज रखने पर मेरे पास है -36 × 35, जब दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया 1260 माइनस में वैल्यूज, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया, नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड क्वेश्चन है इसी का, वो है 28 क्यूब + -15 का क्यूब + -13 का क्यूब, मैंने इसको एक्स मान लिया, इसको वाई मान लिया, इसको जेड मान लिया, ठीक है। तो जेड एक्स + वाई + जेड करके देखता हूँ मैं, देखिए कितना होता है ना, एक्स की वैल्यू कितनी है, 28 + y की वैल्यू -15 + z की वैल्यू -13, 28 + -15 - 13, 13 15 कितना हो रहा है, 28 - 28 कितना हो रहा है मेरा, 0 हो रहा है। इसका मीन्स क्या हो गया कि x³ + y³ + z³ इसकी वैल्यू क्या होगी, 3xyz होगी, ठीक है। तो 3xyz की वैल्यू निकाल लो, 3x में रखते हैं 28, ये कितना है -15 और ये कितना है -13, 28 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 × 2 = 84, 36 + 2 = 38, 3
ठीक है।